जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का दैट इज आरएनएआई आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनएआई क्या है? आरएनएआई एक नेचुरल मैकेनिज्म है जीन को कंट्रोल करने का, यानी जेनेटिक कंट्रोल जो कि एक बहुत ही वाइड नेटवर्क है, कई तरीके के मैकेनिज्म जेनेटिक कंट्रोल में यूज होते हैं, उनमें से एक हमारा जेनेटिक कंट्रोल का मैकेनिज्म ये भी है जिसको हम क्या बोलते हैं आरएनए। ठीक है, आरएनएआई जो मेथड है इस मैकेनिज्म को दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इस तरह के रेगुलेशन को हम लोग नाम देते हैं जीन साइलेंसिंग या जीन नॉक डाउन। क्लियर, याद रखिएगा, अगर कोई जीन है, जीन का मतलब डीएनए सीक्वेंस, वो उस ऑर्गेनिज्म के जीनों में मौजूद है, तो डीएनए सीक्वेंस का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वर्क नहीं कर रहा है या जो प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं रहा है, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन जो डीएनए सीक्वेंस है वो अपनी जगह प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह के रेगुलेशन को हम लोग किस में रखते हैं? जीन साइलेंसिंग यानी जीन नॉकडाउन। लेकिन अगर वहीं किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस यानी जीन को आपने म्यूटेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको इनएक्टिव बना दिया है उस डीएनए को ही, तब उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं जीन नॉक आउट। तो नॉक आउट और नॉकडाउन में यही फर्क है, नॉक आउट में आप डीएनए सीक्वेंस को ही म्यूटेट करके इनएक्टिव बना देते हैं, जबकि नॉकडाउन में क्या है यहाँ पे कि आपका डीएनए सीक्वेंस एक्टिव है लेकिन उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो आगे जाकर के वर्क नहीं कर रहा है या प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो वही बात है, तो यहाँ पे जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस है वो इसी चीज से, देखिए नाम क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी चीज के साथ इंटरफियर करना। तो यहाँ पे इंटरफियर क्या है, एक्चुअल में ये जो हमारा मेथड है ये वर्क करता है जीन एक्सप्रेशन के ट्रांसलेशन लेवल पे, यानी डीएनए से आरएनए बना है तो उसको आप ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो आप उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन के समय अगर कोई आरएनए मॉलिक्यूल उस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म के साथ इंटरफियर करके ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दे रहा है, यानी एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, तो उस जीन का एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जीन इज साइलेंस्ड। क्लियर, तो नाम आरएनए इंटरफियर इसीलिए पड़ा क्योंकि आरएनए जो है वो हमारा ट्रांसलेशन के साथ इंटरफियर करके उसको इनहिबिट कर दे रहा है। क्लियर, अब ये आरएनएआई का जो प्रोसेस है इंटरफेरेंस का, ये जो मैकेनिज्म है ये काम कैसे करता है, ये काम करता है बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स, और ये जो स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, एसआईआरएनए। एसआईआरएनए का फुल फॉर्म ही होता है आपका स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। तो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए की मदद से हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म देख पाते हैं, है ना। अब ये स्मॉल आरएनए जो है वो काफी छोटे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि छोटे होने के साथ साथ ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यानी छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, है ना, जिनका मैक्सिमम जो लिमिट है वो अप टू 25 बेस पेयर हो सकता है। क्लियर, यानी काफी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन है डिफरेंट टाइप से, है ना, कि कौन कौन से मैकेनिज्म है जिनसे एसआईआरएनए हमारी बॉडी में या किसी भी सेल में जनरेट हो सकता है। ठीक, बात समझ आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाया हुआ, देखिए जो एसआईआरएनए है इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है। सबसे ज्यादा जो मेन नेटवर्क है इसका वो है माइक्रो आरएनए, यानी एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए के प्रोसेसिंग से ये बनता है, और इसी चीज को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि माइक्रो आरएनए की प्रोसेसिंग से कैसे एसआईआरएनए जनरेट होता है। ठीक, दूसरा इसके अलावा यूकेरियोट में जो एक्सप्रेशन के समय एचएमआरएनए बनता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से जो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनता है, उस हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए में आपने पढ़ा होगा कि दो सीक्वेंसेस होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। तो इंट्रॉन बेकार होता है, है ना, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, तो उसको स्प्लाइस करके अलग कर दिया जाता है। तो कई बार वही इंट्रॉन्स की प्रोसेसिंग होती है और उससे भी एसआईआरएनए जनरेट हो जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो मेजर सोर्स है वो है वायरल जीनोम, है ना, वायरसेस, आरएनए वायरसेस का जो इन्फेक्शन होता है एनिमल सेल में, तो वो आरएनए वायरसेस का जो आरएनए है, जीनोम है, वो भी एसआईआरएनए की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो इस वहां से भी हमें एसआईआरएनए जनरेट होकर के मिल सकता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी सेल के अंदर, है ना, एसआईआरएनए इटसेल्फ जनरेट हो रहे, जैसे ये दोनों मैकेनिज्म, ये दोनों उस सेल के अंदर ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग किस में रख सकते हैं, एंडोजीनस, एंडोजीनस, है ना, प्रोडक्शन।
तो ये siRNA बनने का एंडोजीनस प्रोसेस है। लेकिन अगर वायरस की मदद से आ रहा है या आर्टिफिशियली आप किसी वेक्टर को डिजाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से वेक्टर को डिजाइन करके आप किसी सेल में siRNA प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये आर्टिफिशियल मेथड हो गया है ना, और बाहर से आपने इनकॉर्पोरेट किया। तो अगर बाहर से siRNA आ रहा है, चाहे वो वायरस के रूप में आए, वायरस के जीनोम के रूप में आए, या आपका इस तरीके से आए, तो ऐसे मैकेनिज्म को आप किस पर रखेंगे? इनको आप रखेंगे एक्सोजीनस में। किसमें रखेंगे? एक्सोजीनस, है ना। तो अगर सोर्स siRNA का बाहरी है तो एक्सोजीनस मैकेनिज्म हो गया, और अगर इंटरनल है तो उसको आप एंडोजीनस बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए देखा जाए कि miRNA से siRNA कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। क्लियर? RNAi का जो मैकेनिज्म है ना, जो नेचुरल मैकेनिज्म जो miRNA से स्टार्ट होता है, miRNA नहीं माइक्रोआरएनए। तो होता क्या है कि हमारे जीनोम में जीन होते हैं जहां से miRNA एनकोड होता है, ठीक है। तो मान लिया कि एक जीन है जो miRNA को एनकोड करता है, तो जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो शुरू में जो आपको RNA दिखेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उस RNA में होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन उस सिंगल स्ट्रैंडेड में भी बीच बीच में आपको हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो हेयर पिन लूप लाइक है, तो इस तरह से सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री miRNA, है ना, यानी प्रिकर्सर ऑफ माइक्रो RNA। अगर फुल फॉर्म देखा जाए, प्रिकर्सर ऑफ माइक्रो RNA, ठीक है। अब इसका प्रोसेसिंग होगा किस एंजाइम से? द्रोशा। द्रोशा नाम का एंजाइम होता है जो उसको कट करके एक एक miRNA को अलग कर देगा। miRNA अलग हो गया, है ना। अब ये जो माइक्रो RNA बने हेयर पिन लूप लाइक, देख सकते हैं इसमें डबल स्ट्रैंडेड स्टेम है और उसके ऊपर एक सिंगल स्ट्रैंडेड लूप है, ठीक। तो इस miRNA को siRNA में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है डाइसर। तो डाइसर क्या करता है? लूप को कट करके हटाएगा और कट करके डबल स्ट्रैंडेड RNA जनरेट करेगा, छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड RNA जनरेट करेगा, और यही जो स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड RNA है यही आपके क्या कहलाएंगे? siRNA। अब siRNA जब बन जाता है, ये सारा काम न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है। जितना भी वर्क आप देख रहे हैं, दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस में हो रहा है। फिर जैसे siRNA बनेगा तो एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कई प्रोटीन होते हैं उसमें। तो मैंने यहाँ उसको एक ही राउंड सर्किल से दिखाया, लेकिन एक्चुअली इट इज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, है ना। तो वो कई प्रोटीन मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है रिस्क, यानी RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या है फुल फॉर्म? RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो रिस्क प्रोटीन है ये इस siRNA से बाइंड करेगी। देखो बाइंडिंग हो गया। अब इसका काम क्या है? इसमें हेलिकल एक्टिविटी भी पाई जाती है, यानी हेलिकेज एक्टिविटी होती है। तो वो क्या करेगा? दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को डीजनरेट कर देगा। किस स्ट्रैंड को डीजनरेट करेगा? जो टारगेट mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको mRNA को ट्रांसलेशन करने से रोकना है। तो mRNA का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं होगा उसको ये डीजनरेट कर देगा। तो बचेगा कौन? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, है ना, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड RNA से आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा, जो कि mRNA के 5 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और जब ये 5 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये रिस्क प्रोटीन क्या करेगा? उस छोटे से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को ले जाकर यहां बाइंड करा देगा। जब यहां बाइंडिंग हो जाएगी तो राइबोसोम को बाइंड करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि राइबोसोम की जो बाइंडिंग साइट थी वहां पे कौन बाइंड हो गया? हमारा RNA, है ना। तो जब राइबोसोम को mRNA पे बाइंड करने का मौका नहीं मिलेगा, नतीजा कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। एंड जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो जीन का एक्सप्रेशन फ्लॉप हो गया, तो इसीलिए बोलेंगे जीन इज साइलेंस्ड, यानी जीन का एक्सप्रेशन हमें दिखाई, है ना। तो इस तरीके से उन mRNA को इनहिबिट किया जाता है नेचुरली जिनके प्रोडक्ट की अब हमें जरूरत नहीं है या सेल को जरूरत नहीं है, उसको इस मैकेनिज्म से ब्लॉक कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस mRNA का क्या होगा? तो देखो यहाँ पे दो बातें हैं। अगर हमारा जो सीक्वेंस जनरेट हुआ है siRNA का, वो 100% कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर गया, तब ऐसे केस में क्या होता है कि इस
mRNA को जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ परसेंट 100% नहीं है, कुछ परसेंट कॉम्प्लीमेंट्री है, तब ऐसे केस में वो इनएक्टिव फॉर्म में थोड़ी देर रहेगा और बाद में उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा मेटाबोलाइज के लिए, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा फंक्शन करता है, कोई डाउट। अब सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा RNAi टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यही है कि हम किसी जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो कई सारे प्लांट बनाए गए हैं, है ना, कई सारे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए हैं जिनमें हमने RNAi को इंट्रोड्यूस कराया और इंट्रोड्यूस करा के किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया, जिससे क्या हुआ कि उस प्लांट में हमें चेंजेस देखने को मिले। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देंगे आपका, जो आज के डेट में आप जो टमाटर यूज करते हैं, टमाटो का प्लांट, दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है, जो एक ट्रांजेनिक टोमेटो है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो इस फ्लेवर सेवर टोमेटो में खास बात क्या है कि अगर आप इसको पुराने टमाटर से कंपेयर करेंगे, पहले के समय जो नॉन ट्रांजेनिक टोमेटो होता था वो क्या होता था, बहुत तेजी से पकता था, यानी इसकी राइपनिंग बहुत फास्ट होती थी और उसमें जो टिश्यूज है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते थे, नतीजा टमाटर बहुत जल्दी सड़ जाता था, खराब हो जाता था। इसकी वजह से जो टमाटर का क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता था और किसानों को बहुत नुकसान होता था। तो ये देखा गया कि आखिर टमाटर पकने के बाद इतनी जल्दी सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं। तो देखा गया कि उसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो टमाटर के पकते ही टमाटर के जो सेल्स हैं उनका जो सेल वॉल है आपस में कनेक्ट होता है मिडिल लैमिला से ना, तो उस मिडिल लैमिला को ब्रेक कर देता है। नतीजा जब मिडिल लैमिला ब्रेक हो जाएगी तो सेल आपस में एक दूसरे से जो रिलेशन उनका वो टूट जाएगा, नतीजा जो टिश्यूज हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी, खराब होने लगेंगी। तो उस एंजाइम का नाम था, ठीक है, बीटा पॉली गैलेक्ट्रोनेज। तो बीटा पॉली गैलेक्ट्रोनेज को इनहिबिट करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, टमाटर में RNAi इंट्रोड्यूस कराया जो कि उस जीन को टारगेट करता है, ठीक है। यानी बीटा पॉलीगैलेक्ट्रोनेज जीन जिससे वो एंजाइम बनता था उस जीन को RNAi टारगेट करता है और टारगेट करके इनहिबिट कर देता है। नतीजा अब अगर टमाटर पकेगा तो उसके साथ क्या होगा, तो जो उसकी रैपनिंग वो भी थोड़ी स्लो हो जाएगी, प्लस वो एंजाइम ना बढ़ने की वजह से टमाटर सॉफ्ट नहीं होगा। इसीलिए आज की डेट में देखिए टमाटर एकदम पका हुआ हो तो भी उसकी स्किन काफ़ी हार्ड होती है, वो थोड़ा हार्ड टफ लगता है, है ना, तो उससे थोड़ी सी उसकी मिठास भी कम हो जाती है क्योंकि वो मिडिल लैमिला वगैरह जब सॉफ्टनिंग होती है तो शुगर जनरेट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया था फ्लेवर सेवर टमाटो। बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम RNAi का यूज़ यहाँ पे करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसे ट्रांजेनिक प्लांट बनाना जो निमेटोड रेजिस्टेंट हो, क्योंकि निमेटोड सब्जियों की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, है ना। तो उसमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किया गया है, वो है एक ऐसा प्लांट जो कि एक खास निमेटोड के लिए रेजिस्टेंट है, जिसका नाम है मिनोडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, तो मिलोडेगाइनी इनकॉग्निशिया एक ऐसा निमेटोड है जो कि प्लांट्स के रूट को इन्फेक्ट करता है। ये सॉइल में पाए जाते हैं और सॉइल में एस्केलमेंथीज के मेंबर हैं, सॉइल में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, रूट को इन्फेक्ट करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और पेनिट्रेट करके रूट में एक डिजीज कॉज करते हैं जिसको बोलते हैं रूट नॉट डिजीज। यानी इसकी वजह से क्या होता है, कॉजेस रूट नॉट डिजीज। तो उससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, खासकर टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट को ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, है ना। तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया, एक ऐसा ट्रांजेनिक टोबैको प्लांट जनरेट किया गया जिसमें RNAi इंट्रोड्यूस किया गया और वो RNAi के इस जीन को इनहिबिट करता है इस निमेटोड के मसल्स के प्रोटीन्स को, है ना, क्योंकि भाई निमेटोड है और आपने पढ़ा होगा कि निमेटोड्स में स्लो मस्कुलर मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मूव करते हैं, स्लोली स्लोली मूव करते हैं। तो अगर उनके प्रोटीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाए जो उनके मसल प्रोटीन्स हैं स्पेसिफिक, है ना,
तो क्या होगा, इनके मसल्स कमजोर होंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगे, फसल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, क्लियर। तो इसीलिए ऐसा ट्रांजेनिक प्लांट जनरेट किया गया, ठीक। तो होता क्या है कि जब ट्रांजेनिक प्लांट आप बनाते हैं तो उसके हर एक सेल में इसका मसल का स्पेसिफिक आरएनएआई ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, और वो आरएनए मॉलिक्यूल एसआईआरएनए मॉलिक्यूल बनकर के पड़े हुए हैं। जैसे ये नेमेटोड थोड़ा सा भी टिश्यू कंज्यूम करेगा, है ना, तो वो टिश्यूज के गट में जाकर के जब डाइजेस्ट होंगे, तो डाइजेस्ट होते उसमें से आरएनए जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो फ्री होंगे। अब आप सोचेंगे आरएनए भी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आरएनए डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और उसको डाइजेशन की जरूरत, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे रिलीज होगा वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होते ही, ठीक है, वो सेल्स में जाएगा और जाकर के मसल्स के एक्सप्रेशन को रोकेगा, ठीक है। नतीजा क्या है, कुछ देर बाद उस इंसेक्ट में जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी और वो धीरे धीरे मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंट प्लांट इस निमेटोड के लिए डेवलप किया गया है, क्लियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए हमारे आरएनएआई के, कि हम आरएनएआई से ट्रांजेनिक प्लांट बना करके उसका यूज कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये है इस टॉपिक में कि आर्टिफिशियली वेक्टर का इस्तेमाल करके हम कैसे एसआईआरएनए जनरेट कर सकते हैं, तो आइए उस पर भी बात की जाए। आर्टिफिशियली आप आरएनएआई कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए एक एक्सप्रेशन वेक्टर, और एक्सप्रेशन वेक्टर का मतलब एक ऐसा डीएनए वेक्टर जो आपके जीन को एक्सप्रेस कराए, यानी ट्रांसक्राइब कराए, है ना। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, प्रोमोटर, कि जीन का प्रोमोटर मौजूद होना चाहिए। तो जीन का प्रोमोटर जोड़ करके हमने क्या डिजाइन किया, एक्सप्रेशन वेक्टर। अब जिस जीन को हमें टारगेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि निमेटोड में हम लोग मसल के जीन को टारगेट करते हैं, है ना, तो जिस जीन को हमें टारगेट करना है उस जीन का दो कॉपी हम लोग लेंगे, कितना कॉपी लेंगे, दो कॉपी, टू कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। तो यहाँ मैंने जीन को एरो बना करके दिखाया है इसलिए ताकि हम डायरेक्शन को समझ सके, है ना। तो मान लेते हैं ये डीएनए सीक्वेंस है, हमारा जीन है, और इसी जीन के लिए हमें आरएनएआई प्रोड्यूस करना है। तो हम करेंगे क्या, हम इस एक्सप्रेशन वेक्टर में इस जीन की जो दोनों कॉपियां हैं दोनों को प्रमोटर से जोड़ेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर एक कॉपी हमने इस डायरेक्शन में जोड़ा है प्रमोटर के, तो दूसरा ठीक इसका उल्टा जोड़ेंगे, ऐसे, बात समझ लो। अगर एक कॉपी हमने ऐसे लगाया है इस तरीके से, तो दूसरा हम इसका ठीक उल्टा ऐसे जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, देखो जब ये हमारा जीन ऐसे लगा होगा तो इसका एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगा, ठीक है, और जब इसको हम उल्टा अपोजिट करके ऐसे लगाएंगे तो अपोजिट वाला स्ट्रैंड काम करेगा टेम्पलेट का, है ना। तो इस तरीके से जीन के जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड है वो दोनों कॉपी होंगे, और जब दोनों कॉपी होंगे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लगाया हुआ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगाए हैं, तो एक स्ट्रैंड इधर कॉपी हुआ, एक स्ट्रैंड इधर कॉपी हुआ, तो दोनों सिंगल स्ट्रैंड जनरेट हुए। और चूंकि एक ही जीन से दोनों सिंगल स्ट्रैंड कॉपी हुए, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी हुए हैं, तो ये जो आरएनए बनेंगे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो दोनों जैसे ही जनरेट होंगे आपस में जुड़ करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होंगे, क्लियर। और यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारा क्या काम करेगा, एसआईआरएनए का, फिर ये अपना प्रोसेस होगा जैसा आपने पढ़ा है। चूंकि यहाँ डायरेक्ट एसआईआरएनए बना है तो यहाँ बाकी एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बाइंड करेगा रिस्क पे, रिस्क इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस कर करके ले जा करके उस पर्टिकुलर जीन के एमआरएनए पे बाइंड करा देगा, ठीक है। तो उस तरीके से जीन साइलेंसिंग हो जाएगी, क्लियर।